बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की। अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में आज सुबह बताया जा रहा है 9 बजे उनका रोड शो शुरू होके शाम 7 बजे तक लगातार ये रोड शो चलेगा। गृह मंत्री ये रोड शो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, इसमें से 4 अहमदाबाद जिले की, घटलोडिया, नारायणपुरा, साबरमती, बेजलपुर और 3 गांधीनगर जिले की सानंद, गांधीनगर, कलोल विधानसभा है। तो अमित शाह इन रोड शो के बाद कल अपना नामांकन भरेंगे। पिछली बार अमित शाह इस सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे और बीजेपी ने इस बार जीत का मार्जिन 10 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। आइए गांधीनगर से देखते हैं हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल की रिपोर्ट। हम गांधीनगर के सानंद इलाके में हैं। यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होगा कुछ देर में और अमित शाह जी जो हैं वो कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और आज जो है पूरे शहर में वो 3 रोड शोज करने वाले हैं। उसके बाद उनकी एक पब्लिक रैली भी होने वाली है सेजलपुर में। तो सानंद से लेकर कालोल तक वो एक रोड शो करेंगे, उसके बाद हार्ट ऑफ द सिटी गठलोडिया में भी एक रोड शो करेंगे। एक तरीके से आप देखा जाए तो ये उनका एक शक्ति प्रदर्शन भी है और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। कल फर्स्ट फेज ऑफ पोल शुरू होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जितने भी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स हैं उसका सक्सेसफुल डिलीवरी जो हुआ है उसमें अमित शाह का बहुत क्रिटिकल रोल, बहुत मुख्य रोल प्ले हुआ है। इसीलिए एक तरीके से ये उनका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है और इसके बाद वो कल जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। गुजरात की जब आप राजनीति देखोगे तो एंड ऑफ 90s से जो है बीजेपी बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है और एक तरीके से यू नो एक तरफा वोटिंग एटलीस्ट लोकसभा पोल्स में 2014 से हमने देखा है। 2014 और 2019 में हमने देखा कि 26 सीटें जो हैं 26 की 26 सीटें भाजपा की तरफ गई थी गुजरात की। तो इस बार भी गुजरात के जो बीजेपी हेड है सीआर पाटिल उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि इस बार लड़ाई सिर्फ मार्जिन्स की है और हर सीट पे 5 लाख से ऊपर मार्जिन्स जीतने की कोशिश की जाएगी हर कैंडिडेट की तरफ से। और कुछ ऐसे जो कॉन्ट्रोवर्सीज थे, ठाकुर का जो डिसअपॉइंटमेंट था या तो फिर कुछ कैंडिडेट्स जो बदले गए थे, बीजेपी लीडरशिप ने यही बोला है, नेतृत्व ने यही बोला है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। जहाँ तक गुजरात की बात है सारे 26 सीटें बीजेपी की तरफ जाएंगी और यहाँ पे कांग्रेस की हालत भी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसके कारण भी बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। ये जो रोड शो है यहाँ पे काफ़ी कलर है, काफ़ी रंग है, पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और नाच गाना होने वाला है। अभी तक रोड शो शुरू नहीं हुआ है, अमित शाह अभी तक आए नहीं हैं। 9 बजे के आसपास जो है रोड शो शुरू होने की अपेक्षा है और पूरे दिन ये रोड शो चलेगा और शाम को जाके अमित शाह जो है सेजलपुर में एक रैली, बहुत बड़ी रैली करेंगे और कल उनका नॉमिनेशन फाइल होगा और कल फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग भी है। 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग होगा तो उसके बिल्कुल पहले जो है ये रोड शो होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग है बीजेपी नेतृत्व की तरफ से।